योग निद्रा में हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस का ड्राइव करते हैं। और समस्या कहाँ है, जब हमारा शरीर में हम उसे गति कराते हैं, एक एक अंग तक पहुंचाते हैं, उस समय वो सेंस नहीं मिलता। जैसे आप बता रहे थे कि कमर से नीचे मुझे पता नहीं चलता, और उसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं कि पता चल जाए, उसके एक्टिविटीज पता चल जाए। नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? आपको पता हो नहीं हो, आपका बॉडी में एक करंट फ्लो करता है। जैसे कभी यहां मार दो, क्या होता है, बहुत जोर झंझनाता है, करंट जैसे लगता है ना, ऐसे ही बॉडी में एक बायो करंट फ्लो करता है। ऐसे पढ़ा, कोई प्रैक्टिकल मेरे पास एक्सपीरियंस है, बोलते एक इंसान के शरीर में जितना करंट लाइफ भर में फ्लो होता है, पूरा धरती को इलेक्ट्रिक दिया जा सकता है। मैं कहीं टेक्निकली, मतलब मेरे पास उसका डाटा नहीं रखा हूं, लेकिन कहीं ऐसे ही इसमें सर्च करते करते मिल गया। बट ये कहां तक सच है झूठ है ये भी नहीं पता, लेकिन मनुष्य तो अनंत शक्ति का भंडार है, ये तो कोई दो राय नहीं। तो ये जो करंट है आपके अंदर में फ्लो हो और नहीं हो पाता, सेंस नहीं कर पाते, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बनता है मॉर्मेट मैटर्स, मैला, शरीर में रहने वाले विषैले तत्व, या ऐसा बोलें जो विद्युत फ्लो होना चाहिए वो विद्युत नहीं फ्लो हो पाने का कारण का पीछे बड़ा रहस्य ये है कि वहां जो आप वायरस समझ लो, वर्क समझ लो, जीवाणु समझ लो, बैक्टीरिया समझ लो, या जो स्थूलता है, और ये स्थूलता ज्यादातर हमारे आहार से बनते हैं, और दूसरा हमारा बॉडी स्वयं क्रिएट करता है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ मेंटल टेंशन, मानसिक तनाव, एक्सेसिव स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये बॉडी ऑटोमेटिक अपने को कोपिंग कैपेसिटी को नहीं होने के कारण, स्ट्रेस कोपिंग कैपेसिटी नहीं होने के कारण, स्ट्रेस कोपिंग कैपेसिटी मैं किसे कह रहा हूं, समता, प्रज्ञा, मध्यस्थ मार्ग, या अपने को सेंटर में रखना, जब नहीं रख पाते तो बॉडी क्या करता है, जब हम एक्सेसिव टेंशन को फेस करते हैं अपना बॉडी ऑफ माइंड, वो कुछ नेगेटिव हार्मोन बॉडी को रिलीज करके दे देता है, और हमें पता नहीं है कि उसके कारण, जैसे हम क्रोध किए और बॉडी उस क्रोध को कोप अप करने के लिए, रजिस्ट करने के लिए जो केमिकल बॉडी में सप्लाई किया था, कुछ तो बॉडी को कोप अप कर दिया, उसके बाद जो स्टॉक रखा वो निकाल नहीं पाते, निकालने का तरीका है नहीं, है पता नहीं, पता है आलस्यता के कारण, ज्ञान की कमी के कारण, और अभ्यास के कमी के कारण नहीं करते। एक उदाहरण, आपको सरदर्द हुआ, बुखार हुआ, कुछ भी हुआ, आप एलोपैथी टैबलेट खा लिए, तो वो टैबलेट में, वो मेडिसिन में, वो ड्रॉग्स में बॉडी को जितना जरूरत था तो रख लिया, बाकी जो अनवांटेड था वो निकाल दिया। ये रखना और निकालने के बीच में भी कुछ पार्ट है जो बॉडी उसको निकाल नहीं सकता, बॉडी में स्टॉक रहने रहता है, उसको बोलते हैं स्टॉक मॉर्मेट मटेरियल्स, वो बॉडी का जिसको बोलते हैं डिपोजिशन। वो डिपोजिशन आपका, जब आप योग निद्रा में जाते हो और अपने आप को फ्लो करके देखना चाहते हो, या आपका कॉन्शियसनेस को, आपका मन को आप वहां लगाना चाहते हो, फिर वो सेंस कर नहीं पाता है, नॉनसेंस हो गया रहता। और जब जब आप शरीर का शुद्धिकरण में काम करना चालू कर देते हो, सफाई के काम में काम कर देते हो, और ज्यादातर इसका भूमिका, जैसे हम लोग आज ये कर रहे हैं, पत्ता खाने का, प्राकृतिक फल खाने का, जूस खाने का, सूप लेने का, क्वथ लेने का, और उसके उसका सेकंड पार्ट हो गया, आप एडिशन करते हो सफाई में, और खाली सफाई कर देने से नहीं होगा, सफाई कर लेने के बाद फिर उसमें विटामिन्स, नेचुरल विटामिन्स, प्राकृतिक चीज ऐड करते हैं। ये दो काम अभी तक जो सेट में हम लोग किए, और सेकंड के आज से जो हम विचार करेंगे हमारे शिविर में, वो शरीर शुद्धिकरण का, उसमें गोमूत्र का पान है, गोमूत्र पीते ही आपका शरीर इंटेस्टाइन पूरा घोल के आधा घंटा के अंदर पेट साफ कर देगा, एनिमा लेने का,
उसके बाद सबसे हार्ड क्रिया है शंख प्रक्षालन का क्रिया, बात करेंगे शंख प्रक्षालन की। इसके बाद प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, भाषण देने से, भाषण ना दे आसन पहने, और फिर मिट्टी में गड़ना, गोबर में गड़ना, गोबर का स्नान करना, गोबर का लेप लेना, गोमूत्र का लेप लेना, ताकि शरीर से विषैला तत्व निकल जाए, शरीर के रोम रोम से विषैला तत्व निकल जाए। जैसे भगवान कृष्ण जब पूतना का जहरीला दूध पिए, तो उसके बाद आप देखना भागवत जी में और उसमें बताते हैं कि कृष्ण भगवान को गोबर में स्नान करें, गोमूत्र में स्नान करें, ताकि उनके शरीर से वो विष निकल जाए। तो हम भी जो भी आज खा रहे हैं, सारे चावल रोटी अनाज जो भी कुछ खा रहे हैं, वो सारे यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, टी20, डीडीटी, गैमेक्सिन, थीमेट, डीएपी वगैरह वगैरह का एक सोल्यूशन हम लोग खा रहे हैं, और शरीर में विष तत्व बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, जिसका कारण जैसे बोलते हैं, जैसे खाओगे अन्न ऐसा होगा, मन जैसा होगा, मन ऐसा होगा, तन जैसा होगा, तन ऐसा होगा, धन जैसा होगा, धन ऐसे होंगे जन। तो ये पूरे जन समुदाय के ऊपर और ह्यूमन सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करना चालू कर, और ज्यों ज्यों शरीर का शुद्धिकरण का काम करना चालू कर देंगे, हमारा सेंस जो हम नॉन सेंस थे ना, वो हम फिर धीरे धीरे सेंस में आने लगेंगे। जो चीज आप बोल रहे हो कि मैं कमर देखना चाहता हूं, जांघ देखना चाहता हूं, घुटना देखना चाहता हूं, टखला देखना चाहता हूं, और पैर की उंगलियों पे जाना चाहता हूं, जा नहीं पाता, और जाता भी हूं तो अंदर लेवल में जाता हूं, बार बार उसका सेंस नॉन सेंस है। तो जहां ये शुद्धिकरण का कार्य चालू कर दिए, शरीर का अंदर का मॉर्मेंट मैटर को निकालना चालू कर दिए, शरीर का बाहर का मॉर्मेंट मैटर को निकालना चालू कर दिए, और शरीर मल रहित हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, दलबद्ध सैनिक और मलबद्ध शरीर, इसका कोई तोड़ नहीं। सैनिक अगर दलबद्ध हैं तो उसको कोई हरा नहीं सकता, कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे के साथ, उसे हरा नहीं सकता, और शरीर अगर मलबद्ध मल रहित है तो उसको जल्दी कोई बीमारी आ नहीं सकती। तो ये शरीर मलबद्ध करना, मल के बाधाओं को हटा देना, तब आप योग निद्रा में, अब जो विगत 7 दिन में नहीं कर पाए वो 2-3 दिन में आना चालू हो जाए, और यही काम जब हम डीप मेडिटेशन में चले जाएंगे, सुपर मेडिटेशन में चले जाएंगे, 10 दिन में चले जाएंगे, और जब शरीर के हर सेंसेशन को देखना चालू कर देंगे, जहां जहां शरीर देखना चालू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे मन को भी देखना चालू कर दोगे, मन को भी पकड़ में आ जाएगा, मन भी आप देख पाओगे कि क्रिस्टल क्लियर होने लगा। अभी मन तो आपको अगर कहूं कि मन को देखो, जस्ट इम्पॉसिबल। यानी हम ये योगिक क्रिया, तांत्रिक क्रिया और प्राकृतिक क्रिया, पंचगव्यात्मक क्रिया, इसको इसलिए लगा रहे हैं कि आप उस स्तर पे पहुंच जाओ कि आप खुद को पढ़ सको, और जब खुद को पढ़ने लगोगे दूसरे को भी पढ़ सको। तो जो बॉडी करंट है वो फ्लो तब कर सकता है जब शरीर शुद्धिकरण। तब ये प्रश्न आप नहीं पूछ पाओगे कि गुरु जी ये बताओ कि हम गौशाला खोलेंगे या गुरुकुल खोलेंगे या स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, प्राकृतिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे, या जंगल बनाने में लगेंगे, या प्राकृतिक खेती में लगेंगे, या स्वावलंबन केंद्र खोलेंगे, क्या करना है, या ग्राम्य गुरुकुल करेंगे, क्या करना है। वो नेचुरल स्पॉन्टेनियसली आपको पूरे जो विश्व ब्रह्मांडीय शक्ति है, वो जो आपका बॉडी जिसके लिए ट्यून्ड किया गया, जन्म किया गया, आप देखना वहां पहुंच गए, आपके पास ऐसा कर्म सामने आ जाए। अब इसे और थोड़ा आगे समझाता हूं। षड चक्र है, षड चक्र, हर एक चक्र एक एक टर्बाइन है, हर एक चक्र से करंट फ्लो होता है, और जिस जिस चक्र का करंट फ्लो जहां जहां घट गया, कम हो गया, या सप्लाई नहीं दे पा रहा है, वो अवयव, वो अंग आपके दुर्बल रहेंगे, या उस अवयव अंग में आप रोग का अनुभव करने लगोगे, बीमार का अनुभव करोगे, दुर्बलता का अनुभव करोगे, शक्तिहीनता का अनुभव करोगे, और ज्यो ज्यो वो चक्र एक्टिवेट होने लगेंगे, करंट सप्लाई देना चालू कर देंगे, फिर उन शक्तियों उस अंगों में आप देखना प्रचंड ऊर्जा आया होगा। कराटे में हम लोग बोलते हैं एक पंच मारा, एक पंच नहीं मार दिया, वो पूरा चक्र का ऊर्जा वहां फ्लो कर दिया। व्हाट इज इन कराटे, व्हाट इज कॉल्ड ए पंच, फ्लो ऑफ एनर्जी, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, बूस्टिंग ऑफ एनर्जी इन ए पर्टिकुलर ऑर्गन्स, आप एक अंग में लेके देते हो, और जब वो ऑर्गन वहां हिट करता है जाके,
वो 1 फीट नहीं 10 फीट के का जाएगा, वो हिट कर जाएगा। तो जो एनर्जी को आप एक्टिवेट करके वहां पहुंचाते हो, वो एनर्जी जब आपका चक्रिक विकास हो जाना चालू हो जाएंगे, चक्र सब अच्छे से फॉर्म करने चले चले जाएंगे, तो आप अभी योग निद्रा के लिए प्रयास कर रहे हो, ऑडियो सुन रहे हो, सोना पड़ रहा है, चलते फिरते योग निद्रा होता रहेगा। और जो शिव जी के मनो प्रार्थना माने मानसिक शिव मानस पूजा में बताया गया, निद्रा समाधि स्थिति, आपका निद्रा निद्रा नहीं रहेगा, निद्रा आपका जो योग निद्रा में आज 40 मिनट में अनुभव कर रहे हो, होल ऑफ द पूरा नींद आपका योग निद्रस्त होगा, आपका नींद भी साधनात्मक होगा, सोए हो देख रहे हो। उसको बोलते हैं ना, दिन में जो जागृत अवस्था में मन को देख ले, मन का थॉट विचार, और रात को सपना, ये दो को देखना अगर सीख गए हो गया काम। तो ये तब संभव है जब शरीर का मर्मेट मैटर सफाई हो गया हो और आप मल रहित शरीर हो गया हो और आपका करंट फ्लो चालू हो गया हो, आपके शरीर के हर अंग अवयव को आप टच कर पा रहे हो, अनुभव कर पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो, तब फिर मन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अपने अंदर में वो आनंद, वो शांति, वो मजा पाने लगेगा, बाहर नहीं ढूंढेगा। और अभी समस्या क्या है, आउटर ऑब्जेक्ट में शांति आनंद और मजा मस्ती को ढूंढ रहे हैं, अपने आप आने लगेगा। जय गुरु।